और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, इसमें पतंजलि अपने सूत्रों को बताते हैं। तीसरा सूत्र है, इस सूत्र में योगी पतंजलि बताते हैं कि योगी की भाव दशा कैसी होनी चाहिए। ये सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यही है योगी की भाव दशा। चित्त वृत्ति निरोध की योग साधना का सुफल है, किसी भी योग साधक की साधना का लक्ष्य है। महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योगी कैसा होता है। ये लक्ष्य ही तो साधना की दिशा है, योग साधक का गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें, महर्षि की यही नीति है। इसी कारण वह पहले समाधि पात के सूत्रों का बयान करते हैं और बाद में साधन पात के सूत्र बताते हैं। तीसरे सूत्र का अर्थ है अपने स्वरूप में अवस्थिति। इसी में स्थित होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचारों का, देह प्राण मन सृष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है। पूज्य गुरुदेव बताते थे, बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अपने स्वरूप में स्थिति तो सदा से थी, पिछले जन्मों से थी, इन नए शरीर में भी उसके लिए कोई खास कठिनाई नहीं हुई। लेकिन हम सब साधकगण इसे किस रीति से पाएं, इसके जवाब में वो एक बात कहा करते थे, सारा पर्दा मन का है, मन के इस पर्दे को हटा दो, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। दृष्टा भाव भी वही है, आत्म स्वरूप में स्थिति भी वही है, बस मन की झिलमिल के कारण नजर नहीं आ पाती। बात पते की है, समझ में भी आती है, लेकिन ये हो कैसे, मन का पर्दा हटे तो हटे कैसे। महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो तो योग सध जाए, योग साधना का सुफल मिल जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। लेकिन सवाल है कि ये सब हो तो हो कैसे। इस कठिन सवाल का बड़ा आसान सा जवाब गुरुदेव देते थे। वे कहते, मैंने अपने मन को अपने मार्गदर्शक का गुलाम बना दिया, तुम अपने मन को अपने सद्गुरु का गुलाम बना दो, उन्हें अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके, इसकी एक ही कसौटी है कि अब तुम अपने लिए कुछ नहीं सोचोगे, ना अतीत के लिए परेशान होगे, ना वर्तमान के लिए विकल होगे और ना ही भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी होगा वह सद्गुरु स्वयं करेंगे। तुम्हें तो बस अपने गुरु का यंत्र बनना है। इस संकल्प के कार्य रूप में परिणित होते ही महर्षि पतंजलि के सूत्र का अर्थ प्रकट होने लगता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से मन का पर्दा हटने का और स्वरूप में अवस्थित होने का सत्य अपने आप ही उजागर हो जाता है। बना अपने सद्गुरु का स्वर, इसका समग्र अर्थ अंतर चेतना में तब होता भास्वर जब हमारा मन उसका हर स्पंदन करता गुरुदेव को समर्पण। ना बचती कोई कल्पना, ना कामना, ना याचना, होती बस एक ही प्रार्थना, प्रभु बने हम आपके यंत्र। समर्पण की वर्णमाला एकमात्र मंत्र, इसका सुफल होता जीवन में अविकल, आत्म रूप में अवस्थिति, तब बनती जीवन स्थिति। समर्पण हुआ है, इसका मतलब यही है कि अब मन सद्गुरु के चिंतन और उनके कार्यों में संलग्न हो गया, किसी भी तरह के स्वार्थ का मोह छूटा, अहंता के सारे बंधन टूटे। ऐसे में आत्म स्वरूप में अवस्थिति सहज है। इस भाव दशा में मन रूपांतरित हो जाता है, उसकी दृष्टि एवं दिशा बदल जाती है। समर्पण की साधना के द्वारा अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकते हैं। साधक यदि समर्पण कर दे तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी और साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। पर यदि समर्पण ना हो सका तब? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में यानी समाधि पाद के चौथे सूत्र में देते हैं। वे कहते हैं, व्रति सारूप्य मित्रत, ये है चौथा सूत्र। साक्षी होने के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तदात्म
हो जाता है। ये वृत्तियाँ साधक की अंतरचेतना को मनचाहा भटकाती हैं, सुख दुख के सपने दिखाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, इच्छाओं के कच्चे धागों में बांधती हैं, कल्पनाओं और कामनाओं की मदिरा पिलाकर बेहोश करती हैं। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है, जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि हम सभी इन्हीं कामनाओं की तृप्ति के लिए साधना भी करते हैं, गाढ़ी बेहोशी को और गाढ़ा करने के लिए जप तप का सिलसिला शुरू करते हैं, इसकी सफलताओं पर खुशियों की अटखेलियों से खेलते हैं और असफल होने पर गम के आंसुओं से अपने आप को भिगोते हैं। वृत्तियों का ये बहुरंगी तमाशा हमारे जीवन का सामान्य परिचय है। इसमें स्वप्न तो अनेक हैं, सत्य एक भी नहीं। इसी तथ्य का संकेत महर्षि के सूत्र में है। एक प्रसंग में गुरुदेव ने यही बताया कि मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था कि साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों से मुख मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वो थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, ये तो बाद में पता चला कि इस रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पतंजलि के बारे में है, वे बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर, लेकिन मरुस्थल का अपना एक सौंदर्य है, उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियां नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार होता है, किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, मरुस्थल की अपनी एक विराट अनंतता है। हाँ, इस राह पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। पतंजलि का हर सूत्र साधकों को साहस के लिए चुनौती है, उसके विवेक को सावधान रहने की चेतावनी है। पतंजलि बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि यदि आपको, हमको, मनुष्य मात्र को यदि भटकन, उलझन, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, अवसाद से संपूर्ण रूप से मुक्ति पानी है तो साक्षी भाव को उपलब्ध होने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में तो मन की वृत्तियों के साथ तदात्म्य बना ही रहेगा। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, यह बात किसी एक पर, किसी एक विशेष व्यक्ति पर लागू नहीं होती, बात तो सारे मनुष्य के लिए कही गई है। मानव प्रकृति की बनावट व बनावट की यही पहचान है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तदात्म्य बना रहता है, विचारों के प्रवाह के साथ कब एकात्मता सध जाती है पता ही नहीं चलता। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, विचारों के बादलों के साथ हम एक हो जाते हैं, कई बार सफ़ेद बादलों के साथ, कई बार वर्षा भरे बादलों के साथ, तो कई बार वर्षा रिक्त खाली बादलों के साथ, लेकिन कुछ भी हो, किसी न किसी विचार के बादल के साथ हमारी तदात्मता बनी रहती है और ऐसे में हम आकाश की शुद्धता गवा देते हैं, अपने आत्म स्वरूप के अंतरिक्ष की शुद्धता को खो देते हैं और बादलों का ये घिराव घटित ही इस कारण होता है क्योंकि हम तदात्म जोड़ लेते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं। ख्याल आता है कि हम भूखे हैं, विचार मन में कौंध जाता है, विचार इतना भर है कि पेट को भूख लगती है, बस उसी क्षण हम तदात्म स्थापित कर लेते हैं, उसकी आसक्ति से घिर जाते हैं, हम कहने लगते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मन में तो भूख का विचार भर आया पर हमने उसके साथ तदात्म बना लिया, हम कहने लगे मुझे भूख लगी है, बस यही तदात्म है, विचारों के साथ जुड़ जाना। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञानियों को, योगियों को, साधकों को, सिद्धों को भूख महसूस नहीं होती, भूख तो वे भी महसूस करते हैं, बुद्ध भी भूख महसूस करते थे, पतंजलि भी भूख महसूस करते थे, लेकिन पतंजलि कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे भूख लगी है, वे तो बस इतना कहेंगे कि शरीर भूखा है, वे कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है, बुद्ध कहेंगे भूख तो पेट में है, मैं तो केवल साक्षी भर हूँ, पेट भूखा है, लेकिन योगी जन उसके साक्षी मात्र बने रहेंगे, लेकिन हम सब तदात्म बना लेते हैं, विचारों के साथ एक हो जाते हैं, ये तदात्म ही संसार है। यदि हम तदात्मों में हैं
तो संसार में हैं, दुख में हैं, और यदि इन तदात्मों से पार और परे चले जाएं तो समझो मुक्त हो गए। योग की परम सिद्धि एवं संबुद्धि की परम अवस्था यही है निर्वाण और कैवल्य। वृत्तियों से, विचारों से तदात्म्य टूटते ही हम इस दुख भरे संसार से पार होकर आनंद के जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं। यही है महर्षि पतंजलि का चौथा सूत्र। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना।